मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली होगी। आपके सामने EVS बुक है, दैट मीन्स एनवायरमेंटल स्टडी। एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में आप जानते ही हैं कि हमारा ये पर्यावरण का अध्ययन होता है। पर्यावरण में हम अपने परिवार से, अपने मोहल्ले, हमारे आसपास पाई जाने वाली जो जितनी भी प्रकार की चीज़ें होती हैं, वेदर दे सजीव हों, निर्जीव हों, दैट मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, सभी के बारे में जानते हैं। कैसे कम्युनिटी वर्क करती है, सोसाइटीज़ वर्क करती है, फैमिली में क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम विस्तृत रूप में, ठीक है, को एक्सप्लोर करते हैं, इनको समझते हैं। तो इसमें जो बुक में फर्स्ट चैप्टर था हमारा, चेंज इन फैमिली, इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि परिवार क्या होता है और परिवार में बदलाव कैसे होते हैं। प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा परिवार के बारे में। तो अभी हम चैप्टर सेकंड की तरफ जाते हैं, और चैप्टर सेकंड जैसे कि नेम से ही लिखा हुआ है, माय एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली में मतलब विस्तृत परिवार। जैसे आपने टू टाइप की फैमिलीज़ के बारे में जानते ही हैं कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, है ना, छोटा परिवार और बड़ा परिवार। अब इसमें बड़ा परिवार के साथ साथ ये विस्तृत परिवार वर्ड आया हुआ है, तो अब इसको हम समझेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, है ना। चलो चैप्टर की रीडिंग करते हैं। इन डेफिनेशंस ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली इज अ सिंपली अ फैमिली यूनिट दैट एक्सटेंड्स द न्यूक्लियर फैमिली टू इंक्लूड अदर रिलेटिव सच एज आंट्स, अंकल्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। अब क्या होता है, सीधा सा इसका सिंपल मीनिंग्स ये लगा सकते हो कि जो न्यूक्लियर फैमिली रहती है, जिसमें मम्मी पापा और बच्चे हैं, उन्हीं का ये बड़ा रूप है। अगर उसमें हम कुछ और फैमिली मेम्बर्स को ऐड कर देते हैं, अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं या अंकल हैं, चाचा चाची हैं, ठीक है ना, और ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, दादा दादी या ताऊ जी, उनके बच्चे, कजिन्स, अगर किन्हीं और मेंबर्स को उन पे ऐड कर दिया जाता है, तो वो फैमिली एक्सटेंड होने लगती है। इज दैट क्लियर? न्यूक्लियर फैमिली को ही अगर हम और मेंबर्स जोड़कर बढ़ा दें, तो वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, देयर इज़ मोर टू एन एक्सटेंडेड फैमिली हाउएवर देन जस्ट अ लिस्ट टू रिलेटिव्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स द स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली एंड व्हाई इट कैन बी अ वैल्यूएबल टाइप ऑफ फैमिली यूनिट कैन हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड योर ओन फैमिली स्ट्रक्चर। अब इसमें बताया जा रहा है कि आपको सिर्फ रिलेटिव्स को जुड़ने के अलावा भी बहुत कुछ है जो कि आपको आपकी खुद की फैमिली के, जो आप जिस फैमिली में रह रहे हो, उसके स्ट्रक्चर को समझने में भी मदद करेगा। और क्यों ये जो फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली, इसकी वैल्यू होती है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और ठीक है ना, और क्या इसका महत्व है, कैसे हम इसमें रहकर ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे कि आपने कई चीज़ें देखी होंगी, दादी दादाजी हमें लव करते हैं, हमें बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं फैमिली मेम्बर्स, तो ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। मतलब एक्सटेंडेड फैमिली जस्ट नॉट लाइक दैट ओनली कि अदर से मेंबर्स, हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो उसमें ऐड हो गए तो एक्सटेंडेड फैमिली है, नहीं, उसका एक महत्व भी है, उस महत्व को हम इसमें समझने वाले हैं। तो इसमें अलीना नाम की एक बच्ची है जिसकी स्टोरी बेस्ड ये पूरी है, और वो उसी की जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो परिवार है, उसकी जो फैमिली है, जो एक्सटेंडेड अलग अलग रह रहे हैं, उनके बारे में ये यूनिट है। उसी के आधार पर आपको भी कैलकुलेट करना है कि आपकी फैमिली में कैसा क्या है, है ना। सो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अलीना एंड हर फादर आर हेल्पिंग हर मदर टू फिनिश द हाउस वर्क वीकली। तो अलीना और उसके पापा क्या कर रहे हैं, उसकी मम्मी की मदद कर रहे हैं जो घर का काम है उसको जल्दी से फिनिश करने के लिए, ठीक है ना। दे आर लीविंग फॉर मुंबई टू अटेंड अ फैमिली फंक्शंस। हर अंकल हैज़ प्रोमिस्ड टू टीच अलीना हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल। अब वो क्यों जल्दी कर रहे हुए हैं, क्योंकि उनको जल्दी से मुंबई के लिए निकलना है एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए, जहाँ पर अलीना के जो अंकल हैं, चाचा जी हैं, उन्होंने अलीना से प्रॉमिस भी किया है बाइसाइकिल सिखाने के लिए, कि बाइसाइकिल चलाना कैसे सीखते हैं और बाइसाइकिल सिखाएंगे चलाना, हुआ एटलीस्ट वहाँ पर, है ना। तो ये पूरा मैटर ये कर रहा है कि अलीना जो है वो अपने मम्मी पापा के साथ कहीं और रह रही हुई है, है ना, और वो एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए मुंबई जाने वाले हैं।
ठीक है, और वहाँ पर उसके चाचा जी उससे मिलेंगे और वो उसको साइकिल चलाना सिखाएंगे। अलीना, यहाँ से देखेंगे आप, अलीना लिव्स इन देहरादून, अलीना देहरादून में रहती है विथ हर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के साथ, ठीक है। हर फादर इज़ एन इंजीनियर एंड हर मदर इज़ अ डॉक्टर, दे आर हर इमीडिएट फैमिली। अब यहाँ पर एक इमीडिएट फैमिली का वर्ड आया हुआ है, दैट मीन्स होता है तात्कालिक परिवार। अब अलीना जो है वो देहरादून में रहती है अपने पेरेंट्स के साथ, उसके मम्मी और पापा दोनों रहते हैं उसके साथ, पापा जो है वो इंजीनियर हैं और मम्मी एक डॉक्टर हैं, और यही उसकी तात्कालिक परिवार है, इमीडिएट फैमिली है, मतलब शुरुआती फैमिली आप जिसको कह सकते हैं, भाई मम्मी पापा और बच्चा ही शुरुआती फैमिली में आएगा ना। अब बाकी रिलेटिव्स जो एक्सटेंडेड फैमिली में जुड़ने वाले हैं उनके बारे में आगे चर्चा होने वाली है। हर ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन अ विलेज इन राजस्थान, अब उसके जो ग्रैंड पेरेंट हैं, दादा दादी हैं, वो राजस्थान के एक विलेज में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं। हर अंकल aunt and cousins live in different cities, और उसके जो अंकल्स हैं, चाचा जी लोग हैं, ताऊ जी लोग हैं और चाची लोग जो हैं, सभी बच्चे वगैरह, वो जैसे ये अलग देहरादून में रह रही है, वो भी अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं। भाई किसी की जॉब कहीं पर है, किसी की जॉब कहीं पर है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो अलग अलग सिटीज़ में उसका परिवार, जो विस्तृत परिवार है, वो बटा हुआ है, ठीक है। अलीना मीट देम ओनली ऑन स्पेशल ओकेशंस और ड्यूरिंग हॉलीडेज, और जो अलीना है वो उनसे तभी मिल पाती है जब कोई छुट्टियां पड़ती हैं या फिर कोई स्पेशल ओकेशन होता है, है ना। ऐसे आपके यहाँ भी जब भी, जैसे सभी लोग आप गांव में रह रहे हैं या आप सिटी में रह रहे हैं, आपके चाचा जी कहीं और, मामा जी, मौसा जी, ये लोग कहीं और रह रहे हैं, तो जब भी कोई शादी वादी का फंक्शन होता है या किसी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो सभी लोग इकट्ठे होते हैं, या फिर गर्मियों की छुट्टियाँ चलती थी अभी, तो उसमें आप लोग इकट्ठे होते हैं सभी लोग, है ना, सारे बच्चे। ऐसे ही अलीना का भी फैमिली उस टाइम पर इकट्ठी होती है। Though they do not live together, they are part of Alina's extended family. अब क्या है, ये लोग इकट्ठे नहीं रहते हैं अलीना के साथ, क्योंकि अलीना तो अपनी मम्मी पापा के साथ रहती है, ठीक है, लेकिन ये इनकी एक्सटेंडेड फैमिली का एक भाग है। काउंट डाउन अगर किया जाएगा तो सभी लोग उसकी एक्सटेंडेड फैमिली में इंक्लूड रहेंगे, भले ही साथ ना रहें। ओके, समझ आया आपको। एन एक्सटेंडेड फैमिली इज अ फैमिली दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द इमीडिएट फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स एंड कजिन्स, ऑल पार्ट ऑफ द सेम हाउस होल्ड। एक्सटेंडेड फैमिलीज गिव अस सम सेंस ऑफ बिलोंगिंग थ्रू देयर लव एंड केयर। क्या होता है, एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो एक इमीडिएट फैमिली के पार, इमीडिएट फैमिली दैट मींस मम्मी पापा और बच्चा जो शुरुआती फैमिली है उसके पार बहुत सारे रिलेशंस, जो चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी भी हो सकते हैं, बहुत सारे, और उनके बच्चे, कजिन्स, इन सब का गेट टुगेदर है, जो एक ही परिवार के सदस्य हों, एक दूसरे से रिलेटिव्स हों। और एक्सटेंडेड फैमिलीज हमें बहुत सी चीज़ें देती हैं, एक तो एक अलग ही लगाव रहता है, बड़ों का लव मिलता है, केयर मिलती है, वो लोग हमारी केयर करते हैं कि हमें कुछ लग ना जाए, हमारी देखभाल होती है वहाँ पर, हमें सही तरीके से संभालते हैं, सही गलत का भी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हमें बताती है, है ना। तो एक कह सकते हैं शुरुआती स्कूल, जो शिक्षा हम ग्रहण करना शुरू करते हैं वो हमारी फैमिली से ही हम शुरू करते हैं, और फैमिली मेंबर्स जो भी हमारे बड़े रहते हैं वो हमें कई बातें सिखाते हैं। डू ऑल योर फैमिली मेंबर्स लिव विथ यू, क्या आपके सभी फैमिली मेंबर्स आपके साथ रहते हैं, कि आपको अपने आप से क्लियर करना है कि आपके कौन से फैमिली मेंबर्स बाहर रहते हैं, थोड़ा सा इस बारे में विचार करें। व्हेन डू यू मीट मेंबर्स ऑफ़ योर फैमिली, आप अपने फैमिली मेम्बर्स जो कि बाहर रहते हैं या कहीं अलग रहते हैं, या पूरी परिवार के सदस्यों से कब मिलते हैं, इसके बारे में भी आपको समझना है। हु डू नॉट लिव विथ यू, अब आपने देखा होगा कि आपके परिवार के सदस्य ज़रूर हैं वो एक्सटेंडेड फैमिली के, लेकिन क्या वो आपके साथ रहते हैं और वो आपको कब मिलते हैं, है ना। वो डो नॉट लिव विथ यू, तो और उनमें से कौन आपके साथ नहीं रहते हैं। वी यूजली मीट आवर रिलेटिव्स ऑन स्पेशल ओकेशंस, तो जनरली क्या होता है, साधारणतः हम अपने फैमिली रिलेटिव से कब मिलते हैं, जब कोई स्पेशल ओकेशन होता है, सच एज वेडिंग एंड फेस्टिवल्स, ठीक है ना, तो शादी विवाह या कोई उत्सव होता है तभी हम लोग उनसे मिलते हैं। इट इज़ फन
टू मीट न्यू मेंबर्स, न्यू मेंबर्स ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली. वी मेक फ्रेंड्स विद आवर कजिन्स एंड कम टू नो दियर लाइक्स एंड डिसलाइक. क्या होता है कि हम लोग जो स्पेशल ओकेशंस पे ही अपने न्यू मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स से, जैसे किसी की शादी होती है तो उस टाइम पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो अपने जो कजिन्स वगैरह रहते हैं उनके कॉन्टेक्ट में आते हैं, उनसे कुछ चीज़ें सीखते हैं, उनको कुछ सिखाते भी हैं, और उनकी पसंद नापसंद का भी हमें उस टाइम पर पता चलता है. तो सबकी हॉबीज़ भी अलग अलग रहती है, तो उस टाइम पर पता चलता है कि भाई कौन कैसा क्या है, है ना. तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं. अब देखिए यहाँ पर टाइटल आ रहा है आवर फर्स्ट स्कूल, दैट क्लियर. अब यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि हमारा फैमिली जो रहती है वो हमारा पहला स्कूल है. तो सबसे पहले हम यहाँ से सीखना शुरू करते हैं. स्कूल में आकर तो हम लेकिन भाषा और ये अन्य सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में बोलना चलना, कैसे किसको क्या संस्कार हैं, ये सब चीज़ें हमें फैमिली में ही सीखने को मिल जाती हैं. तो यहाँ पर क्या लिखा है, वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार से सीखते हैं. Lastly, Alina learned how to apply mehndi from her cousin Pooja. अब क्या हुआ था, जो अलीना ने क्या सीखा हुआ था लास्ट होली में, अपनी जो कज़िन है पूजा से, उससे मेहंदी लगाना सीखा था, ठीक है ना. Who come all the way from Mumbai. Pooja also promised to teach Alina how to draw a rangoli the next time they meet. अब वो क्या बोल रही हुई है कि उसने मेहंदी लगाना तो सीख लिया था, लेकिन वो जब टाइम नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेगी पूजा है कि रंगोली कैसे बनाना है, जब भी वो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, है ना. तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, आवर Home is the first school where we start learning about life. तो हमारा जो फैमिली होती है, हमारा परिवार होता है, वो हमारा पहला स्कूल है जहाँ से हम जीना सीखना शुरू करते हैं, ठीक है ना. लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं. Our home promotes quality of life for those living, dying, visiting and working in care homes. क्या होता है, हमारा परिवार हमें सिखाता है, लाइफ की क्वालिटीज़ के बारे में सिखाते हैं कि कैसे जीना है, कैसे मरते हैं फैमिली में बुज़ुर्ग होने के बाद, तो वो क्या उसके संस्कार होते हैं उस टाइम पे, क्या क्रियाएं करनी रहती हैं, और कैसे लोगों से मिलना जुलना है हमारे परिवार के वेलफेयर के लिए, उनकी केयर के लिए, मेंबर्स की केयर के लिए, एक दूसरे की केयर के लिए हमें कैसे वर्किंग करनी है, कैसे कार्य करने हैं, है ना. वी लर्न टू रिस्पेक्ट एल्डर्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स, और हम अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं बड़ों की इज्जत करना, ठीक है ना, उनको रिस्पेक्ट देना, ये सब चीज़ें भी हम अपने परिवार से ही सीखते हैं. फिर क्या है, अलीनास ग्रैंड मदर टीच द सर्वेंट्स चिल्ड्रंस इन हर फ्री टाइम्स, और अलीना की ग्रैंड मदर क्या सिखाती है कि आपने फ्री टाइम में अब बच्चों को भी कुछ हमें सर्व करना चाहिए, उनको कुछ बताना चाहिए, कुछ सिखाना चाहिए, ठीक है ना, उनकी देखभाल करना चाहिए. हर ग्रैंड मदर सेज दैट दे कैन डेवलप देयर थिंकिंग थ्रू एजुकेशन. नाउ These children are slowly convincing their parents to give up their superstitions and change with time. अब क्या होता है, स्टार्टिंग में जब grandfathers, mothers ने बच्चों को कुछ सिखाया, उनकी थिंकिंग पावर को बढ़ाया थ्रू एजुकेशन, और अब वही बच्चे सीखने के बाद, समझने के बाद, आज अपने पेरेंट को कन्विंस करने की या अपने बुज़ुर्गों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि जो सिचुएशंस की जो कंडीशंस रहती हैं, अंधविश्वास वाली सिचुएशंस रहती हैं, कुछ रूढ़ियाँ वगैरह रहती हैं, तो उनमें बदलाव समय के साथ हो जाना चाहिए. क्योंकि कई चीज़ें ऐसी देखी होंगी जो आपकी फैमिली में भी आप कुछ ऑड लगती हैं, जैसे कुछ कुप्रथाएं जिनको बोलते हैं जो सही नहीं है, तो उस जब बच्चे एजुकेटेड हो जाते हैं तो अपने बुज़ुर्गों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये एक
ये कम्प्लीटली गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या ये गुजरे ज़माने की बात है, आज ज़माना बदल गया है, आज ऐसा होता है, आज वैसा होता है। कुछ अंधविश्वास वाली बातें होती हैं, जैसे भूत प्रेत वाला मैटर, कोई कहता है कि ओझा वगैरह से कुछ बीमारी ठीक हो सकती है झाड़ा फूकी से, तो ये सब चीज़ें ना, ये सब सुपरस्टिशंस वाली बात आती हैं, तो ये अंधविश्वास वाली चीज़ों से हटने के लिए बच्चे उनको कन्वेंस करते हैं, है ना। लाइक मोस्ट एजुकेटेड फैमिलीज अलिनास जो फैमिलीज बिलीव्स दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, जैसे कि बहुत एजुकेटेड फैमिलीज में माना जाता है कि लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है, दोनों इक्वल हैं, ऐसे ही अलीना की फैमिलीज भी बिलीव करती है, उनका भी ऐसा विश्वास है। हाउ एवर इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दैट, ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन हाँ वो उनकी फैमिली ये मानती है। हर ग्रैंड मदर कीप्स टेलिंग पीपल्स इन हर विलेज दैट बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स मस्ट स्टडी एंड वर्क एंड बी इंडिपेंडेंट, और उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो उनके गांव में हमेशा ये बात बताती हैं लोगों को कि लड़के और लड़की हमेशा समान हैं, दोनों को वर्क करना चाहिए, स्टडी भी करना चाहिए, है ना, और इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। शी ऑफन गिव्स एग्जाम्पल्स ऑफ दीज वुमेंस अचीवर्स, और वो अक्सर इन ग्रेट जो अचीवर्स हैं, जो वुमेंस हैं, इंडियन माना जाता है इनको, खासा आइडियल भी माना जाता है इनके बारे में, वो एग्जाम्पल देकर भी बताती हैं कि देखो इन्होंने कितना हाई अचीव किया है। जैसे किसका एग्जाम्पल देती हैं, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के बारे में आप जानते हैं, मदर टेरेसा जो हैं उन्होंने क्या किया था, मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना करी 7 अक्टूबर 1915 को। वो बहुत मतलब बाहर से थी, आपको स्लाइटली इतना बता देते हैं, वो बाहर से थी और उनको जो गरीब लोग रहते हैं, पूर फैमिली से अनाथ बच्चे रहते हैं, उनके लिए ही उन्होंने जीवन समर्पित कर दिया था। उनका सेवा भाव में ही पूरी ज़िंदगी गई हुई है। उन्होंने गरीबों के लिए और जो रोगी रहते हैं, जैसे जिन लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, जिनके पास ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, उनको लोग अच्छा नहीं मानते, इन सब लोगों की उन्होंने बहुत हेल्प की और अपनी पूरी ज़िंदगी परोपकार में ही गुजार दी। उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी इसके लिए मिले, जैसे पद्मश्री 1962 में दिया गया था, भारत रत्न 1980 में उनको पुरस्कृत किया था, ठीक है ना। ऐसे उनके पास बहुत सारे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उनको 1985 में एक अवार्ड से सम्मानित किया था। तो और उनकी जो चैरिटी की जो उन्होंने स्थापना की थी, स्टार्टिंग में केवल 13 पीपल ने स्टार्ट किया था, लेकिन समय के साथ उसमें 4000 से भी ज़्यादा लोगों ने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था स्टार्टिंग के ही कुछ सालों में। और उसके बाद कंट्रीब्यूशन का ऐसा सिस्टम आया कि इंटरनेशनली उनकी जो चैरिटी मिशंस हैं वो चले। उन्होंने कई अनाथ आश्रम्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी खोले जिनमें बच्चे फ्री एजुकेशन ले सकते थे, और ऐसे लोगों का उन्होंने भला किया जिनको समाज किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं करता था। तो वो एक ग्रेट आइडियल है, उनके बारे में उनकी दादी एग्जाम्पल देती हैं। सेकेंड वो देती हैं कौन की, सरोजनी नायडू के बारे में। तो सरोजनी नायडू के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये तो एक ग्रेट लेडी हैं, और इनने स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत मदद की हुई है, गांव-गांव जाकर लोगों के को इन्होंने अवेयर किया था, और साथ ही साथ इनका ब्रेन बहुत हाई एक्सपेक्टेड रहता था, क्योंकि कंडीशंस ये थी कि बहुत हाई आईक्यू की लेडी मानी जाती है। इन्होंने 12th ईयर में ही 12th लेवल तक का एग्ज़ाम क्लियर कर लिए थे। उनको साहित्य में भी बहुत रुचि थी, कविताएँ भी अच्छी लिखती थी, और मतलब अपनी लाइफ में बहुत अचीव किया है उन्होंने, उनके बारे में क्या कहना। एंड द थर्ड, कल्पना चावला को भी सभी जानते हैं, हमारे अंतरिक्ष यात्री, महिला अंतरिक्ष यात्री भारत की मानी जाती हैं, जिनको हमेशा से इंटरेस्ट था, ठीक है ना। तो एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने बहुत नाम कमाया है, और अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई हुई थी, आपको पता होगा 2003 में जो मिशन हुआ था, इसमें अंतरिक्ष से लौट रहे हुए थे, तो इनका जो यान था तो वो लैंड नहीं कर पाया था प्रॉपर तरीके से, और उसके कई कारण रहे। आप आगे की स्टडी में इनके बारे में पढ़ेंगे स्लाइटली, लेकिन ये समझ सकते हैं कि ये तीनों ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, अच्छे आइडियल्स हैं इंडियन वुमेंस के। तो इनके बारे में एग्जाम्पल्स उनकी दादी जो एलिना की दादी हैं, वो इनके बारे में एग्जाम्पल्स देती हैं। समटाइम्स पीपल वॉन्ट टू गो आउटसाइड एंड स्पेंड सम टाइम विथ देयर फैमिली विच इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ दे लिव इन एक्सटेंडेड फैमिलीज। हाँ, तो यहाँ पर एक नोटिस करने की बात है कि कई बार क्या होता है, पीपल्स ये सोचते हैं कि हम अपने सिर्फ परिवार के साथ, जैसे मीन्स हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ कहीं घूमना चाहते हैं, कहीं बाहर रहना चाहते हैं, तो अगर वो एक्सटेंडेड फैमिली में
रह रहे हैं तो वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि भाई सभी लोग एक साथ आएंगे जाएंगे और सभी को थोड़ा सो परिवार के साथ जब रहते हैं तो पता चलता है कि सभी लोग एक साथ घूमना जाना चाहेंगे, एक साथ रहना चाहेंगे, तो बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि जहाँ पर वो लोग किसी आधे मेंबर्स को छोड़कर आधे मेंबर्स ऐसे ही घूमने के लिए विज़िट करने के लिए नहीं जा पाते हैं। अगर उनको कहीं जाना है तो सभी को साथ लेकर जाना है। इनर एक्सटेंडेड फैमिली ऑल फैमिली मेंबर्स गो टुगेदर फॉर पिकनिक्स एंड आउटिंग्स, हैंस देयर इज़ नो प्राइवेसी फॉर एनीवन। अब क्या होता है कि अगर समटाइम्स उनको कहीं बाहर जाना भी रहता है तो पूरे फैमिली मेम्बर्स एक साथ जाते हैं और पिकनिक्स वगैरह के लिए या कहीं घूमने फिरने के लिए, है ना, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा प्राइवेसी का इशू आता है। बट्स इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। सो इन एंड एक्सटेंडेड फैमिली These types of freedoms are not possible। तो अकेले घूमने फिरने जाने वाने की और जो संस्कारित इकट्ठी फैमिली रहती है तो वहाँ ये सब चीज़ों को थोड़ा सा और लगता है। जैसे आप भी कहीं किसी फैमिली के साथ जा रहे हो अपने परिवार के साथ कहीं घूमने करने को, तो वहाँ जाकर पता चलता है कि आप अपना अपना अलग 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 घूम रहे हुए हैं या अपने मोबाइल में इंगेज्ड हैं, तो बुज़ुर्गों के सामने देखने में गंदा लगता है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट दैट। अब क्या होता है, आपका एक्सरसाइज का फॉर्मेटिव असेसमेंट का टाइम आ जाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर्स देख लिखने हैं, तो बहुत आसान है अगर आप इसकी रीडिंग आपने पहले कर ली हुई है और इसको आपने अच्छे से समझ लिया है। एक दो बार और रीडिंग करें तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर इसी में मिल जाएंगे, है ना। फिर भी आपकी हेल्प के लिए हम बता देंगे, थोड़े से हिंट दे देते हैं। तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली, तो यहाँ पर डेफिनेशंस पहले ही दी हुई है अगर आप देखें तो। वन मिनट, आई एम शोइंग यू। ये देखिए, ये डेफिनेशंस ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली यहाँ पर दी हुई है, तो इसको आप उस पर लिख सकते हैं, ठीक है। एंड देन सेकंड क्वेश्चंस जो है वो भी बहुत आसान है कि इन विच विलेज एलिनास ग्रैंडफादर और ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड, तो एलिना के ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो कहाँ रहते थे, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। कहाँ रहते हैं वो, उसके बारे में आपको पता होगा क्योंकि आपने लेसन पढ़ा है अभी। वेयर वर एलिना एंड हर पेरेंट्स गोइंग, तो वो कहाँ जा रहे हुए हैं ये भी आपको पता है, एलिना और उसके पेरेंट कहाँ जा रहे हैं। What promise had Alina's uncles made, और अलीना से अलीना के अंकल ने क्या प्रॉमिस किया है वो भी आपको पता होगा। Where did Alina and her parent live, और अलीना और उसके पेरेंट कहाँ रहते हैं। एक्चुअली द सिटीज नेम आपको यहाँ पर लिखना है, वो कहाँ रहते हैं। Fill in the blanks using the help box, इसको तो बहुत ही आसान है। इसमें जो help box है इसमें सभी कुछ लिखा हुआ है, इसमें से एक word pick करना है और यहाँ पर write कर देना है, तो आप जैसे ही पढ़ोगे आपको sentence completely समझ में आ जाएगा। ये true false हैं जिनमें भी कुछ खासा नहीं है, आपको बस ये select करना है कौन सी बात सही है कौन सी बात सही नहीं कही गई है, है ना, तो उसमें टी और फॉल्स आपको बना देना है। अब सेकंड पेज पे आ जाते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। एक सेंटेंस दिया गया है जिसके चार विकल्प हैं, इनमें से आपको एक सिलेक्ट करके सही आंसर चूज करना है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसने बढ़ावा किसको दे दिया हुआ है, न्यूक्लियर फैमिली को, फैमिली ऑफ एफिनिटी। फैमिली ऑफ एफिनिटी का क्या मतलब होता है इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। फैमिली ऑफ एफिनिटी का मतलब होता है आत्मीयता का परिवार, ठीक है ना, एफिनिटी मतलब आत्मीयता होता है। तो एक्सटेंडेड फैमिली दिया हुआ है सी ऑप्शन और नन ऑफ द अबव, तो इनमें से या तो कोई नहीं है या तीनों में से कोई एक ऑप्शन है ऊपर का, तो आपको सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से नीचे तक करना है, है ना, और ये पांचों विकल्प आपको चूज़ करके करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। बस इतना ही है आपके इस चैप्टर में, तो आई होप आपको समझ आया होगा, आप क्लियर कर सकते हैं। जो चीज़ समझ नहीं आई होगी आप हमें फिर से पूछेंगे तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, थैंक यू। ध्यान से पढ़ना है, दो बार तीन बार तो आपको रीडिंग लेसन की एक बार करनी चाहिए, और आपके होमवर्क में इसको फेयर कॉपी में भी आपको नोट डाउन करना है। जब आप लिखोगे तो कई स्पेलिंग्स आपकी क्लियर होंगी, मीनिंग समझ में आएंगे, अर्थ समझ में आएंगे और उसका मोटो समझ में आएगा कि क्यों
ये लेसन आपको पढ़ाया जा रहा है और इसमें क्या मैसेज छुपा हुआ है, ठीक है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में समझ सकते हैं, फैमिलीज़ के टाइप के बारे में समझ सकते हैं, उनके गुड रिलेशन के बारे में समझ सकते हैं। फैमिली से हमें क्या फ्री में ही कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ ऐसे इमोशनल सपोर्ट मिलते हैं जिनको शायद शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप फील करोगे जब आप इसको गौर से पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके, तो थैंक यू।